हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब कैन की। कैन क्या है? कैन योग्यता या क्षमता बताने के लिए या किसी की अनुमति लेने और देने दोनों के ही काम में ये एक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है। जब हम किसी की योग्यता को बताएं या उसकी क्षमता को बताएं, वहाँ पर हम कैन यूज़ करेंगे। और दूसरा, जब कभी हमें अनुमति लेना हो या देना हो, उसमें भी हम कैन एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कैन एक सहायक क्रिया का हिंदी में अर्थ होता है, सकता है, सकते हैं, सकती है, सकते हैं, ठीक है, और सकता है। तो जब सिंगुलर में हम यूज करते हैं तो सकता है, सकती है, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं सकते हैं। ठीक है, कैन के साथ एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कैन के साथ हमेशा जो भी हम एक्शन वर्ब यूज करेंगे उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तुम जा सकते हो, यू कैन गो। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पर कैन का अर्थ होता है सकता हूँ। ठीक है, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम यह खुद कर सकते हो, यू कैन डू दिस योर सेल्फ। तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो, यू कैन टेलीफोन मी ऑन दिस नंबर। वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। यह समाचार सच हो सकता है, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। यह कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस। मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू। ठीक, तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ। मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो, आई कैन सी दैट यू आर टायर्ड। क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं, कैन वी डू दिस इन वन डे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू डू माई हेल्प, और यू कैन से कैन यू हेल्प मी। सो फ्रेंड्स, दीज ऑल आर द वर्ड्स, दीज ऑल आर द सेंटेंसेस विथ विच यू कैन प्रैक्टिस द एक्सिलरी वर्ब कैन। कैन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंसेस के साथ। तो कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है मैंने आपको पहले बताया कि कैन का यूज़ हम जब कभी योग्यता या क्षमता बताने के लिए करते हैं, या फिर अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए कैन का यूज़ होता है। तो आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए अपने डेली स्पोकन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।